गुजरात के बाद अब राजस्थान में बिपरजॉय का कहर। 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश, बिपरजॉय तूफान देखते ही देखते तबाही में बदलता जा रहा है। गुजरात में बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई और अब इसका रुख राजस्थान में भी भयंकर मंजर बनाने का है। आपको बता दें कि बिपरजॉय के कारण राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र ने सोमवार को टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ यहां ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, धौलपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ अजमेर में बारिश भी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। कई स्थानों पर 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको बता दें कि अब तक राज्य में बाढ़ और बारिश से 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 19 और 20 जून को बिपरजॉय का असर भरतपुर, कोटा संभाग में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। चक्रवात अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवात और कमजोर होकर डिप्रेशन से लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होगा। कैसा रहा बिपरजॉय का असर? बिपरजॉय की तबाही देखते हुए रेलवे ने सोमवार को जोधपुर से होकर जालोर के रास्ते जाने वाली 11 ट्रेनों का संचालन 19 जून तक रद्द कर दिया है। 3 ट्रेनों को मारवाड़ जंक्शन, पालनपुर होकर चलाया जा रहा है। वहीं उदयपुर अजमेर के रूट पर चलने वाली 10 से ज्यादा गाड़ियां आधे से 2 घंटे तक देरी से चल रही हैं। जालोर जिले के भीनमाल, मेनीमाल नाला ओवरफ्लो होने से शहर के कृषि मंडी रोड, हरिजन बस्ती, खेतावत मार्केट, तलबी रोड सहित कई बस्तियों में पानी घुस गया है। वहीं निरंतर रेस्क्यू में लगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अब तक 39 लोगों को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन में इस आपदा से 7 लोगों की जान जा चुकी है। पाली में रविवार रात 2 लोगों की पानी में बहने से मौत हो गई। अरब सागर से उठा चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान में कहर बरपा रहा है। इसके असर से राज्य के कई इलाकों में 40 घंटे से बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजस, मंद, पाली, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इन जिलों के कुछ इलाकों में अब तक 10 से लेकर 13 इंच तक बरसात रिकॉर्ड की जा चुकी है। सांचौर राजस्थान का वो इलाका है जहां अरब सागर से उठे तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। करीब 36 घंटे तक लगातार इतनी बारिश हुई कि देखते ही देखते पूरा शहर डूब गया। नर्मदा लिफ्ट कैनाल की पाल और सुरावा बांध टूटने से सांचौर के 25 गांव उस पानी में समा चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।